हेलो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.9। इसमें कह रहा है ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर। दोस्तों कोई सर्कुलर पार्क, जैसे मान लो ये कोई सर्कुलर पार्क है और उसमें साइक्लिस्ट कहां से स्टार्ट कर रहा है, इस ओ से स्टार्ट कर रहा है साइकिलिंग करना, ठीक है। और इस जो सर्कुलर पार्क है उसकी रेडियस दे रखी है 1 किलोमीटर। कितनी दे रखी है? 1 किलोमीटर। ए साइक्लिस्ट स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओ ऑफ ए सर्कुलर पार्क। ये कोई सर्कुलर पार्क है और वहां पे सेंटर से स्टार्ट कर रहा है साइकिलिंग साइक्लिस्ट, ठीक है। रीच द एज ऑफ पी, यहां से स्टार्ट किया यहां पे पहुंचा और फिर यहां से सर्कमफेरेंस अलोंग सर्कमफेरेंस मूविंग कर रहा है और फिर क्यू पे पहुंचा, क्यू से ओ पे आया, तो राउंड ट्रिप। देखो कोई साइक्लिस्ट, ये कोई सर्कुलर पार्क है और उसमें साइक्लिस्ट यहां ओ से चालू किया, पहले पी पे गया, फिर ऐसे जाके फिर क्यू पे गया और फिर क्यू से ओ पे आ गया, है ना। और यह इसमें टाइम लगा उसको 10 मिनट। कितना मिनट लगा? 10 मिनट। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, कितना हुआ बताओ? बताओ, यहां से यहां गया, फिर ऐसे क्यू पे गया और फिर ओ पे आ गया, तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों नेट डिस्प्लेसमेंट में आंखों को तो बंद करना होता है और इनिशियल और फाइनल पोजीशन देखनी होती है, बस किधर से गया कैसे गया कोई मतलब नहीं, ओनली इनिशियल और फाइनल पोजीशन। किले देखो, मेरी इनिशियल पोजीशन ये थी और मैंने ऐसे गया, यूं जाके यूं आ गया, फिर वापस यहीं पर आ गया। इनिशियल और फाइनल पोजिशन में कितना डिस्टेंस है? सेम पोजिशन पे आ गए ना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। सेम पोजीशन पे आ गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू जीरो। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है और टाइम इंटरवल तो कुछ भी हो, 10 मिनट 10/60 आवर्स में बदल तो ये जीरो आ जाएगा। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू जीरो, दैट इज जीरो, दैट इज जीरो। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड किया, मेरी साइकिल ऐसे चली ऐसे चली, 1 किलोमीटर हो गया। अब ऐसे सर्कल अलोंग सर्कमफेरेंस आ रहा और फिर ये 1 किलोमीटर हो गया, ये वाली दूरी आप बता सकते हो? सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होता है उसकी लेंथ होती है 2πr। क्या ये इसका फोर्थ पार्ट है? सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, तो ये क्या फोर्थ पार्ट है? तो इसमें फोर्थ का डिवाइड कर दूंगी तो 2πr, πr बटा 2, पाई आर बटा 2, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर कितना 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 2, तो यह आ जाएगा 1.57 किलोमीटर, 1.57 किलोमीटर। अब तो बता दो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 1, 1.57 और 1, तो कितना हो गया टोटल? देखो 2, 1, 1, 2 और 3, 3.57 किलोमीटर। और इसको आवर में बदल लेना, 10 मिनट है ना, तो आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना होगा, 10 डिवाइड बाय 60 आवर, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 3.57 इंटू 60 डिवाइड बाय 10, ये इससे कैंसिल, तो इसको वो मल्टीप्लाई करो, 7, 6, 42 को 2 से लग जा 56 30 34 3 और 6, 18, 19, 21, 21.45 किलोमीटर बराबर 21.42 किलोमीटर पर आवर। ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड, ठीक है।